वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइज, एंड थैंक्स आपने जो मेरे लास्ट व्लॉग को, क्रिकेट व्लॉग को जो सपोर्ट किया है, उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल। सो जैसा टाइटल में आपने देखा कि एंटवर्प कैसे बैक टू नॉर्मल लाइफ आ रहा है, ये मैं आज मेरे व्लॉग में दिखाऊंगा। सो बेसिकली 8 ऑफ जून बेल्जियम में ऑफिशियली लॉकडाउन ओवर हुआ है, एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स। सो नाउ बार्स, रेस्टोरेंट सभी ओपन हैं विथ ऑफ कोर्स सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी सब हाइजीन पॉलिसी उनको फॉलो करना है। एंड टाइमिंग्स अभी 1 PM तक ही उनको सिर्फ अलाउ किया है, एंड बाकी शॉप्स के भी टाइमिंग्स थोड़े चेंजेस किए हैं। एंड बेल्जियम में आप सिर्फ 10 लोगों को मिल सकते हो एज अ ग्रुप, उससे ज़्यादा आप नहीं मिल सकते। तो स्टिल कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं जो कि मेरे ख्याल से अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी एक्टिव केसेस हैं एंड अभी भी फुल्ली हम लोग लॉकडाउन नहीं निकाल सकते। सो 15th ऑफ जून से EU बॉर्डर्स ओपन हो रहे हैं, सो इंटरनली हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं। सो आई होप सो मैं कुछ ट्रैवल वॉक्स बना पाऊँगा, तब तक आई हैव टू मैनेज समथिंग। एंड तो चलिए देखते हैं एंटवर्प कैसे बैक टू नॉर्मल लाइफ आ रहा है। तो थोड़ा सा रिवाइंड जाते हैं और चलते हैं एंटवर्प सेंट्रल स्टेशन। सो ये जो सामने आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है एंटवर्प सेंट्रल स्टेशन, जिसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1895 में, एंड अराउंड 10 ईयर लेटर 1905 में इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ था। सो इसके पहले यहाँ पे एक वुडन स्ट्रक्चर स्टेशन था, बट यहाँ के किंग को लगा कि हम एक बेटर स्टेशन डिजर्व करते हैं, सो उन्होंने 10 इयर्स में ये स्टेशन बिल्ड किया। सो इसलिए इसका नाम डच में कोनिंगन एस्टेड प्लेन रखा गया, जिसका डायरेक्टली ट्रांसलेशन क्वीन स्क्वायर ऐसे होता है। एंटवर्प सेंट्रल स्टेशन दुनिया का सबसे ब्यूटीफुल ट्रेन स्टेशन है, एंड ओ मैन, आई एम नॉट श्योर मेरा कैमरा इनफ जस्टिफाई कर पा रहा है, बट इट्स अ मार्वलस पीस ऑफ आर्किटेक्चर। सो टिकट काउंटर तो वैसे क्लोज्ड है, बट जिन्हें भी ट्रैवल करना है उन लोगों के लिए ये मशीन्स हैं, और ये मशीन्स तीनों मेजर लैंग्वेज सपोर्ट करती हैं, जैसे कि इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच। मशीन्स पे पूरे सेफ्टी रिलेटेड इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। सो इसके बाद चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये जो स्टेयर्स हैं ये कनेक्ट करती हैं ओल्ड वेटिंग रूम एंड फर्स्ट फ्लोर को, एंड as you can see such a beautiful and mesmerizing structure. abhi hum log hain first floor pe, and ye jo rooftop hai iski speciality ye hai ki ye totally glass aur metal se bana hua hai. platform pe trains to hain but kafi kam log travel kar rahe hain yahan pe, abhi bhi log apne personal car se travel karna prefer karte hain। एंड इन ट्रेन्स को देख के मुझे मेरे मुंबई वाले दिन याद आ गए, वो सुबह सुबह भाग के ट्रेन पकड़ना, वो भीड़ और उसमें होता हुआ मसाज। आई रियली मिस दोस डेज, बट एनीवेज, सो चलते हैं अब ग्राउंड फ्लोर पे। सो इस स्टेशन पे टोटल 4 लेवल्स है। राइट नाउ आई एम एट ग्राउंड फ्लोर। यहाँ पे टिकट काउंटर्स और सभी कमर्शियल शॉप्स हैं, और अभी मैं हूँ -1 पे, और जैसे कि नीचे आप देख रहे हैं वो है -2। -2 पे मुझे कंपनी दे रहे हैं कुछ लोकल कबूतर, आई नो बैड वन, बट इसी लेवल से आपको हाई स्पीड ट्रेन मिलेंगी, जिससे आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ यूरोप जा सकते हैं, जैसे कि एम्स्टरडैम, पेरिस, बट राइट नाउ यहाँ पे कोई भी नहीं है। सो चलते हैं बैक टू ग्राउंड फ्लोर, एंड एज यू कैन सी इंस्ट्रक्शन तीनों लैंग्वेजेस में है। यहाँ पे टोटल 24 ट्रैक्स हैं, एंड इफ यू आर वंडरिंग व्हाट इज स्पूर, दैट मींस ट्रैक्स। अब मैं स्टेशन के बाहर जा रहा हूँ। जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलते हैं, राइट साइड पे है एंटवर्प जू, जो कि यूरोप का सबसे पुराना एनिमल जू है। राइट नाउ यहाँ पे डायरेक्टली टिकट्स नहीं मिल रही हैं,
सो यू हैव टू बुक इट ऑनलाइन एंड एज यू कैन सी यहाँ पे काफ़ी सारी बाइसिकल पार्क्ड है विच मीन्स यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने बच्चों के साथ आए हुए हैं. सो नाउ बैक टू माय व्लॉगिंग मोड. सो गाइज वी आर जस्ट आउटसाइड ऑफ सेंट्रल स्टेशन. सो ये जो स्ट्रीट है ये सीधी मेयर स्ट्रीट को जाती है एंड यहाँ ये स्ट्रीट पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है, पब्स है और काफ़ी फूड चेन्स है. सो आई जस्ट शो यू अराउंड. और ये हमारे मित्र यहाँ पे आइसक्रीम का लुफ्त उठाते हुए थोड़ा ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गया. सो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे राइट साइड पे काफ़ी पब्स एंड रेस्टोरेंट हैं और यहाँ पे अभी समर है. सो ओपन रूफ सिटिंग कल्चर काफ़ी फेमस है यूरोप में. सो लोग आफ्टर लॉकडाउन बाहर आए हैं फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ एंड दे आर एंजॉइंग देयर गुड सनी डे. तो आप जो सामने टावर देख रहे हैं ये है एंटवर्प की सेकेंड टॉलेस्ट बिल्डिंग एंटवर्प टावर और पिछले कुछ सालों से इसका रिनोवेशन चल रहा है बट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. सो अभी हम आ गए हैं बेल्जियम की सबसे वाइब्रेंट एंड प्रेस्टिजियस स्ट्रीट विच इज़ मेयर शॉपिंग स्ट्रीट. ये स्ट्रीट डे टाइम में पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट है. सो यहाँ पे कार्स एंड मोटरसाइकिल्स अलाउड नहीं है. सभी शॉप्स अभी ओपन हो गए हैं. काफ़ी सारे लोग अभी शॉपिंग के लिए बाहर आए हैं बट लॉकडाउन में ये स्ट्रीट कुछ इस तरह दिख रही थी. शॉप्स बंद थी एंड बहुत ही कम लोग थे यहाँ पे. बट जैसे लॉकडाउन ख़त्म हुआ लोग घर के बाहर निकले हैं शॉपिंग के लिए. सो मेयर स्ट्रीट पे आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे कहते हैं रोकोको आर्किटेक्चर, जिसकी स्पेशलिटी ये है कि ये कर्वी एंड फ्लूइड डिज़ाइन पे बेस्ड है और असिमेट्रिक है. सो यहाँ के किसी भी स्ट्रक्चर में आपको कभी भी सिमेट्री नहीं दिखेगी. ये है यहाँ का लोकल शॉपिंग मॉल स्टैटफिट्ज़ाल और यहाँ पे ईयरली 6.5 मिलियन लोग विजिट करते हैं. 1908 में ये कंस्ट्रक्ट हुआ था एज अ एग्जीबिशन एंड इवेंट सेंटर बट बैक इन दिसंबर 2000 में इसे रिस्टोर किया गया और इसे कन्वर्ट किया गया एज अ शॉपिंग मॉल. ये जो फुटेज है मैंने लेट शूट किया है एंड बिकॉज ऑफ दैट मुझे अच्छे तरीके से कवर करने मिला और काफ़ी कम लोग थे तभी मॉल में. अभी चलते हैं बैक टू मेयर शॉपिंग स्ट्रीट. गाइस एज यू कैन सी आज सैटरडे है, वीकेंड है एंड ये शॉपिंग स्ट्रीट फुल्ली पैक्ड है एंड मुझे नहीं लगता कि लोग यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं. अभी हम लोग जा रहे हैं पार्क में एंड देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है. सो जैसा कि हमने सोचा था पार्क में काफ़ी भीड़ थी, फैमिलीज ग्रुप्स सब लोग एंजॉय कर रहे थे और ये हमारे मित्र बाली जिसने मेरी व्लॉगिंग के लिए बहुत हेल्प की तो सोचा उसे भी थोड़ा सा कवर कर लूं. थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप आपको पसंद आया होगा. मैंने ट्राई किया है कि एंटवर्प का कुछ पार्ट मैं दिखा पाऊँ एंड स्लोली बेल्जियम रिकवर कर रहा है इस वायरस से. 99 एक्टिव केसेस अभी रिसेंटली आए हैं. सो आई होप जल्दी से हम रिकवर करें. इवन इन इंडिया
मैं आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द इंडिया भी इस कोरोना वायरस से रिकवर करे। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा सो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए MH05 Gypsy चैनल को। थैंक यू, चाओ।